हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने एक वेबसाइट बताई थी आपको a2oj.com, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा एंड कुछ हद तक समझ में आई होगी कि वेबसाइट पे हम लोग काम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत लोगों ने, मैं जब बीच में भी एब्सेंट मतलब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर आप कोडफोर्स वीडियो कब बनाओगे, स्पॉज, कोडफोर्सेस, युवा ऑनलाइन जज, पता है ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह क्यों सिखाऊं, जैसे नॉर्मल लोग सीख रहे हैं, कभी उस पे जा रहे हैं, कभी उस पे जा रहे हैं, कभी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं ना। मैंने एक कॉमन वेबसाइट ढूंढा है जिसका नाम है a2oj.com, ठीक है। बेसिकली इसमें भी तरह तरह के कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, जैसे कि कोडफोर्सेस में चलते हैं, ठीक है। आई नो अब मैं कोडसेफ पे भी काम करूँगा, इसका मतलब ये नहीं मैं कोडसेफ पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको सच में एडवांस लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ कि सच में बड़े बड़े कोडर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम सेक्शन में जाइएगा, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, स्टेटस, कैटेगरी बहुत सारी चीज़ें आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। मैं आता हूँ कैटेगरीज पे। थोड़ा आपको मेरे यहाँ थोड़ा नेट का थोड़ा दिक्कत चलेगा एंड आई होप थोड़ा लंबे समय तक चले, बिकॉज मैं नया हॉस्टल में शिफ्ट हुआ हूँ तो यहाँ थोड़ा नेट का उतना प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब मैं कैटेगरीज में आया। अब देखिए मैं थोड़ा से जूम करूं तो क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिसपे कि प्रॉब्लम्स कितने हैं 1202, फिर इम्प्लीमेंटेशन 1054, मैथ पे क्वेश्चन कितने हैं 678, ग्रीडी पे कितने 598, पता है डीपी, ग्रीडी एल्गोरिथम, डीएफएस, बीएफएस, डिजिक्त्रा, ये सब एल्गोरिथम्स हैं, ब्रूट फोर्स, डेटा स्ट्रक्चर, पता है इन सब एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च ट्री, सॉर्टिंग, ग्राफ, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री ट्री, सेगमेंट ट्री, मतलब पता है ये वो सारी चीज़ें हैं ना जो आपको बड़े बड़े कंपनीज में इंटरव्यू में पूछते हैं, या आपको सच में एक फील दिलाएगी कि आप सच में एक असली कोडर है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन मुझे कवर करने हैं। अब कैसे करूँगा आई डोंट नो, बस मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये, अब देखो अब आप जब भी कोई प्रॉब्लम लेते हो ना, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम लोगे तो बेसिकली वो किसी ना किसी कंसेप्ट से इवॉल्व हुआ होगा ना। अब वो सारे कंसेप्ट ही हैं, ये सारे कंसेप्ट का एक बांधा हुआ है। जैसे कि अगर मैं डीपी सर्च करूँ ना, जिसपे जो 1201 क्वेश्चन है वो बेसिकली ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगा। अगर मैं 678 क्वेश्चन, अगर ये सेक्शन मैथ वाला सेक्शन खोलूँ ना, तो इससे ये पता चलता है इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें बेसिकली मैथ्स लग रहा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में ग्रीडी एल्गोरिथम लग रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन में डिजिक्त्रा, बीएफएस, डीएफएस, बीएफएस होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स लग रहे होंगे। तो बेसिकली अब हम एल्गोरिथम वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा अभी तक, यस डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ क्या होता है मैं आपको आराम से बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट डैट। आज हम मैथ का सेक्शन खोलते हैं, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आप इंजीनियर हैं, मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे वो आई होप इंजीनियरिंग कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग कॉलेज में भी होंगे, बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं। मैं जो फॉर्म भरवाता हूँ उसमें बहुत लोगों ने जॉब का भी सेक्शन डाला हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली मैथ्स ऐसा चीज़ है ना जो सबको आना चाहिए, ठीक है। अब मैथ्स कुछ भी हो सकता है, मैथ्स का मतलब ये नहीं कि आप पॉलिनोमियल पढ़िए, अलजेब्रा पढ़िए, आप रैशनल नंबर पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, डिफ्रेंशिएशन पढ़िए, नहीं। मैथ्स इज द अप्रोच या इज अ टूल कि आप यूज़ कैसे करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लेइंग विथ बॉल्स, आई होप आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा, प्लेइंग विथ बॉल जो है वो ऑनलाइन जज, यहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम लिखा हुआ है स्पॉज, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन स्पॉज से लिया गया है, स्प्रेड सेट, ये क्वेश्चन कोडफोर्स से लिया गया है, फैक्टोरियल फ्रिक्वेंसी, ये क्वेश्चन युवा ऑनलाइन जज से लिया गया है, ठीक है। इसी तरह कर करके हेलो, ये क्वेश्चन A2 ऑनलाइन जज वाली वेबसाइट से लिया गया है, मतलब समझ में आया। मतलब ये वेबसाइट ऐसा है ना कि जितने भी सारे दूसरे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमें करवाते हैं, उन सब में जो मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको एक जगह कर दिया है यहाँ पे, और टोटल 678 प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि अगर आप पूरा कर जाइएगा तो थिंक अबाउट डैट कि आप कितने ज़्यादा मैथ्स में स्ट्रांग हो जाइएगा। तो इससे ये पता चलता है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन उठाऊँ, मैं क्वेश्चन फाउंड करता हूँ ड्रिंक, ठीक है, ये रहा ड्रिंक। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, कोडफोर्स से, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब कोडफोर्स में तो आपको कोडफोर्स में पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा,
तो अकाउंट बनाते हैं, आइए रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर एंड हैंडल रखते हैं, हैंडल मतलब यूज़र नेम, हेलो वर्ल्ड, ईमेल रखते हैं हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। पासवर्ड रखते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। नाउ ठीक है, रजिस्टर डोंट सेव। अच्छा, ये यूज़र नेम अभी भी किसी द्वारा लिया गया, तो 123 लगा देते हैं और क्या। अब रजिस्टर करके देखते हैं, दिस हैंडल इज करेंटली इज इन यूज। अच्छा, ये भी लिया गया है, तो 1501 करके देखते हैं। यस, रजिस्टर हो गया। अब आपको ईमेल आएगा, सक्सेसफुल रजिस्टर यू नीड टू कंफर्म माय ईमेल, तो ईमेल पे जाना है, देन आफ्टर आपको वहाँ से वेरीफाई कर देना है। मैं अपने ईमेल पे जाके वेरीफाई कर देता हूँ अकाउंट को। बेसिकली आप मुझे अगर फीडबैक दीजिएगा ना कि मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत होती है समझने में क्या, या मैं तो लड़खड़ा के बोल रहा हूँ, या मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो ये सब फीडबैक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आपके फीडबैक काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, सर क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा है, आप समझा अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यस, तो ये भी सब भी फीडबैक दीजिएगा ना, तो आप मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ बस हो जा, यस मेरा अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, यूज़र नेम है, अभी मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। नेट प्रॉब्लम अगेन, तब तक आप ये क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार, सॉरी एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, वेट। ईमेल हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस एट द रेट लॉग इन, ठीक है। यस, सक्सेसफुली लॉग इन हो गया। ओके, वो तो जाना चाहिए, यस ठीक है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार। यस, हेलो वर्ल्ड 1501, ये देखें आप मेरा यूज़र नेम आ गया। लॉग इन करना समझ गया, काफ़ी इजी है। अब प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़िए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यस, एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए क्या है। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन पढ़िए। नाउ टाइम इज अप। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कोडफोर्स को अच्छा माना जाता है कोडसेफ के अकॉर्डिंग, क्यों? बिकॉज कोडफोर्स पे जो क्वेश्चंस के लेवल्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ईजी लगा होगा, जिन लोगों को समझ में आया हो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो एन पी आई लेस देन ग्रेटर देन लिमिट्स इन सब में फंस के रह जाते हैं, 10^-4। अब पता है बेसिकली समझना यही है, इंजीनियर स्किल टू मैथमेटिक्स, आपकी मैथ्स पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको इस पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा, आप ये चीज़ मान लीजिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, सो डोंट बी वरी अबाउट डैट कि वीडियो लंबा गया। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। वास्या, ठीक है, लव्स ऑरेंज जूस। अब वास्या एक लड़की है जिसको क्या पसंद है, ऑरेंज जूस पसंद है। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? नाउ व्हाट, सी हैज एंड ड्रिंक्स, उसके पास एंड ड्रिंक्स है, तरह तरह के ड्रिंक है, लेट्स से एंड ड्रिंक्स है उसके पास, उसको नंबरिंग दे देते हैं 0 से लेके n तक, ठीक है। ऑल द एन माइनस 1 होगा, आई नो, बट मैं एक एन ट्रेंड मान रहा हूँ, ठीक है। अब हर जूस में कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या है, ऑरेंज जूस है। मान लो पहला में P0%, दूसरा में P1%, दूसरा में P2%। मैंने एक एरे के इंडेक्स के अनुसार इसे डिवाइड कर दिया कि कुछ कुछ परसेंट क्या है, ऑरेंज जूस इसमें परसेंट है। ऐसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में कितना परसेंट अल्कोहल परसेंट कंटेन करता है, जैसे कि सिरप में 2-3%, बियर पियेंगे तो 12%। इस तरह कित कौन कौन से सामान में, पीने का सामान में, ड्रिंक्स में कितना परसेंट ऑरेंज जूस है, ये सारा दिया हुआ है। तो ऑरेंज जूस ट्रीटमेंट किसको ऑरेंज कलर से कर देते हैं, यस सारे ऑरेंज जूस आ गए। अब मैं इसे और थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। ब्रीफ में मतलब क्या है कि मान लो ये सारे ऑरेंज जूस है, अब सारे जितने भी ड्रिंक्स हैं, सॉरी ये सारे ड्रिंक्स हैं, ठीक है, और हर ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या है, ऑरेंज जूस है। अब सारे ड्रिंक को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाया गया। अब इसे डिटेल में समझाते हैं। मान लो पहला ड्रिंक लेते हैं,
मान लो 1000 ml है, जो पूरा ड्रिंक है, पूरा जो बॉटल है ड्रिंक का, वो कितना है 1000 ml, इट मीन्स कि 1 लीटर। अब मान लो जो पी ऑफ 0% है, पी ऑफ 0% क्या है, उसमें ऑरेंज जूस परसेंट है। मान लो पी ऑफ 0x है, एक्स बेसिकली परसेंट होगा, मतलब कि एक्स परसेंट ऑरेंज जूस प्रेजेंट है 1000 ml में। तो बेसिकली ऑरेंज जूस कितना हुआ, एक्स बाई 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या, 10x। ये हमारा क्या हुआ, ऑरेंज जूस। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग टोटल ऑरेंज जूस निकाल लेंगे, पहले वाले का ऑरेंज जूस निकालेंगे, देन दूसरे का, देन तीसरे का, सबको जोड़ देंगे। अब हम लोग निकालेंगे कि टोटल जूस हम लोग कितना मिलाया। तो टोटल जूस तो सिंपल है, एन इंटू 1000। ठीक है, टोटल एन ग्लास है, एन बॉटल्स है, और हर बॉटल्स में 1000 ml है, तो एन इंटू 1000। अब इसको डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास ऑरेंज जूस का परसेंटेज निकल जाएगा कि टोटल कितना वॉल्यूम ऑरेंज जूस कंटेन किया हुआ था। कितना सिंपल है। अब बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर 1000 ml आपने क्यों लिया, 2000 ml क्यों नहीं लिया। तो बच्चे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप उसे YML मान लो, 1000, 2000, 3000 मान लो, YML मान लो, जब ओवरऑल कैलकुलेट करोगे ना, तो व्हाट यू रिजल्ट गेट इज कि Y वाला टर्म ना कैंसिल हो जाएगा। और इसे आप कीजिएगा, आप एक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइएगा ना अपना। पता है कंपिटिटिव कोडिंग लोग क्यों करते हैं, मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं कि उससे दिमाग सच में शार्प होता है, एंड आई एग्रीड, दिमाग सच में बहुत शार्प होता है। आप सोचिए, आपका दिमाग में जो क्वेश्चन आया, पहले आप उसे मैथमेटिकल अपने कॉपी में कीजिए, देन आप मुझसे आस्क कि सर ये कैसे हुआ। आपको पूछने से पहले आंसर मिल जाएगा अगर आप सच में कलम चला रहे हैं तब। ठीक है, नाउ फिलोसफिकल बात हम बात करते रहेंगे, अब हम लोग इसके आते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो मैं कंपाइलर ओपन करता हूँ, दैट्स माइन कोड, एक्स कोड, ओके। अब पता है आप लोग अभी कोडफोर्स पहली बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो देखिएगा इसमें वो कैसे होता है। मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ हेलो एंड इंटर। ठीक है, आप लोग सबमिशन देखिएगा, मैं सबमिशन कैसे होता है अब बता दीजिए। ये कोड आप लोग क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। पता है आप लोग इसमें बहुत गलती करने वाला हूँ, और गलती मैं ही करवाने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, पहले आपको क्या मिल रहा है, इंट एन, जिसको हम लोग कर दिए सी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हम लोग ये देखिए, पहला लाइन में आपको एन मिल रहा है, एन का रेंज क्या है, 1 से 100। और फिर इंटीजर्स मिल रहा है, एन इंटीजर्स मिल रहा है, जो कि है PI, जो कि परसेंटेज बता रहा है कि हर बोतल में कितने परसेंट ऑरेंज जूस परसेंट है। ओके, नाउ वास्तव को क्या बनाना है, कॉकटेल बनाना है, कॉकटेल, आई डोंट नो, इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग लाइक ड्रिंक। ओके, अब हम लोग इंट मानते हैं पी ऑफ आई। ठीक है, एंड फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, नाउ इंट एक्स, सी इन एक्स। अब सर आपने एक्स क्यों लिया, अब बताता हूँ। देखो अब एक्स में यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, आई, ओके सॉरी, एन आएगा। ठीक है, नाउ अब क्या है, अब बेसिकली मैंने एक्स ले लिया, अब क्या दिक्कत है ना, अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि अब देखो अल्टीमेटली तो मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ जूस निकालना है। ये 10x है, ऑरेंज जूस कितना है, 10x है। ये समझ में आया 10x कैसे आया, x इंटू 100 अप इंटू 1000, ये 10x आया। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे पहले ही x इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं PI में वो स्टोर कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ PI में, मैं बेसिकली स्टोर कर रहा हूँ हाउ मच ml ऑफ ऑरेंज जूस, ना कि मैं परसेंटेज स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, PI में कैसे, हाउ मच ml ऑफ ऑरेंज जूस। तो अब हम करेंगे पी ऑफ आई बराबर एक्स। अब इससे क्या हुआ, ये ml में निकला। ठीक है, मैं इसे अगर एडिट कर दूं तो ये ml में निकला। ठीक है, ये इतना 10x ml है, 10x ml इसका, 10x ml इसका, 10x ml इसका। ठीक है, ऐसे करते करते सारे 10x ml मिल जाएंगे, और x वेरी करेगा हर किसी का। ठीक है, x कैसे वेरी करेगा, क्योंकि हम लोग को दिया रहा है क्वेश्चन में, जैसे कि पहले वाले के लिए x का वैल्यू क्या है, 50, दूसरे के लिए 50, तीसरे के लिए 100। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ तक क्लियर, फॉर लूप समझ में आया कैसे हुआ। अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग वी कैलकुलेट टोटल
ऑरेंज जूस। अब लोग टोटल ऑरेंज जूस कैसे निकालेंगे, टोटल ऑरेंजेस निकालेंगे, जैसे कि वेरिएबल मानते हैं इंट टोटल ऑरेंज, ठीक है। ये आएगा आपके पास जीरो मान लेते हैं स्टार्टिंग में, नौ एक लूप चलाते हैं, टोटल ऑरेंज जूस तो सारे पीआई के वैल्यू को जोड़ के निकलेगा, बिकॉज ये कितना है पीआई क्या कंटेंट कर रहा है, ऑरेंज जूस कितना है, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, अब क्या, अब टोटल ऑरेंज प्लस बराबर पी ऑफ आई, ठीक है। हमारे पास टोटल ऑरेंज जूस आ गया। अब हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं इंट टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा एन इन टू थाउजेंड, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब एक बात करें हम रिजल्ट की, ठीक है, तो इंट रिजल्ट, अब रिजल्ट बेसिकली फ्लोट होगा, ठीक है, फ्लोट या डबल मान लेते हैं, चलो डी ओ यू, डी ओ यू बी एल ई, ठीक है, डबल रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, टोटल ऑरेंज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज निकालना है, और सी आउट कर देंगे हम लोग, क्या सी आउट कर देंगे रिजल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली सारे ऑरेंज जूस कैलकुलेट कर लिए यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे ये लाइन को फिर से कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, ठीक है। वी कैलकुलेट ऑरेंज जूस और टोटल वॉल्यूम निकल गया, एंड वी कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया, रिजल्ट निकल गया, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को वॉल्यूम बताना है ना, कि कितना परसेंट ऑरेंज जूस परसेंट है। अब हम इसे रन करते हैं, पहले लोग यहीं पर रन कर लेते हैं। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन आपको बताने से पहले किया था, और मैंने ये क्वेश्चन 5 बार गलती करी, और वो गलती मैं करवाऊंगा, बिकॉज इंसान गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। इट्स रनिंग, मैं फिर से रन करता हूँ। नाउ अब हम क्या करते हैं, पहला टेस्ट केस यहाँ पे क्या था, 3, 50, 50, 100, आंसर कितना आना चाहिए था ये, ठीक है, देखते हैं यहाँ आ रहा है कि नहीं। पहले 3 इनपुट किया, देन 50, देन 50, देन 100, ओके, फिर से टर्मिनेट करते हैं, फिर से रन करते हैं, 3, 50, 50 और 100, आंसर आया 0। कहाँ गलती हो गया बताइए, इट्स अ मैटर, गलती कहाँ हुआ, ठीक है। अब मैं बताऊँ गलती कहाँ हुआ, आपने डबल में क्या रखा है। अब देखो मतलब बहुत लॉजिकल मिस्टेक हुआ है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ जो आप लोग हमेशा छोड़ते हैं, या कैलकुलेशन वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। इंट डिवाइडेड बाई इंट क्या मिलता है, इंटीजर। फ्लोट डिवाइडेड बाई इंटीजर क्या मिलता है, फ्लोट। इंटीजर डिवाइड बाई फ्लोट क्या मिलता है, फ्लोट। और फ्लोट डिवाइड बाई क्या मिलता है, फ्लोट। ये बात सबको पता रहती है, बेसिकली ये बात लोग भुला जाते हैं, भुलाते ये बात है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फ्लोट डिवाइड बाई इंटीजर करेंगे तभी फ्लोट मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर कर रहे हैं, ठीक है, और इंटू 100 कर रहे हैं, तो इट ये कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा ना कि ये चीज़ आपको जीरो रिजल्ट दे दे रहा होगा। जब कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे से, सोचिएगा तो पता चलेगा कैसे, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं इंट पॉइंट 0.00 कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, ये टोटल टोटल ऑरेंज क्या है, इंटीजर, और टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, पॉइंट, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू 1000.00 करेंगे तो ये फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगा, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू आ गया, और इंटू 1000। अब देखते हैं अब रिजल्ट क्या आ रहा है, समझा मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर बाई इंटीजर करता है, अब इंटीजर बाई फ्लोट करने लगे हमको, हम लोग, ठीक है, अभी भी आंसर 0 आ रहा है। अब क्या दिक्कत है, पता है दिक्कत क्या है, बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो इंटू पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डिवाइड करने पे ऐसा हो रहा होगा, इट मे पॉसिबल कि 0.00 आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन 0.00 आ ही नहीं रहा है, पूछो क्यों। देखो पहला गलती तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि n इंटू 1000.00 जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या मिल रहा है,
फ्लोटिंग, यहाँ तक क्लियर? जैसे मैंने हाईलाइट किया वो, बताओ वो क्या मिलेगा? फ्लोटिंग मिलेगा, बट स्टोर कहाँ हो रहा है? वो एक इंटीजर वाले में हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो तो इंटीजर ही बन जा रहा है ना, तो इसे तो करने का कुछ मतलब ही नहीं बना। मैं पता क्या करता हूँ, मैं टोटल ऑरेंज को ना पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ थाउजेंड्स, हंड्रेड से, ठीक है? यहाँ पे जनजटी हटाओ, ये रहा, और ये टोटल ऑरेंज को क्या करते हैं, टोटल ऑरेंज बराबर टोटल ऑरेंज इंटू 100.00। अब काम करेगा? नहीं, बिकॉज ये टोटल ऑरेंज इंटू 0.00 क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है, यहाँ तक क्लियर? अब फ्लोटिंग वैल्यू को हम लोग किसमें स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू में, बिकॉज टोटल ऑरेंज हम लोगों ने क्या माना है, इंटीजर माना है। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, डबल लिखते हैं और इसे एक्स लिखते हैं, ठीक है? अब एक्स जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम क्या है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, अगर इंटीजर डिवाइडेड बाई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलेगा, ये देखिए, ठीक है? अब हम लोग रन करते हैं, अब देखिए आंसर क्या आएगा। पता है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप लोग सॉल्व करते ना तब पता चलता, 6.667, यस अब सही है हम लोग के पास। अब हम इस कोड को क्या करते हैं, अभी देखिए इसको रन करने का तरीका, सेव कर लिया हम लोग। अब हम लोग जाएंगे कोडफोर्स पे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा, चूज फाइल, सबमिट, सबमिट का ऑप्शन है, अपने कंपाइलर से ही चुनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं यहाँ 14 कर देता हूँ इसे, ठीक है? एंड ब्राउज सीपीपी फाइल, आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में गए, हेलो हेलो अंदर मेन डॉट सीपीपी, बिकॉज मेरा यहाँ पे फाइल का नाम क्या था, मेन डॉट सीपीपी, मतलब आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए, सीपीपी फाइल आपको सबमिट करना है, ओपन, ये देखिए यहाँ मेन डॉट सीपीपी आ गया। अब क्या करते हैं, सॉरी सबमिट, ठीक है? अब देखिए सबमिट हमारा सही होता है या गलत, आई डोंट नो। ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड का रैंकिंग आ गया 1501, ये हमारा आंसर का सबमिशन कोड, ठीक है? एंड रनिंग ऑन टेस्ट 5, रनिंग ऑन टेस्ट 9, टेस्ट 16 पास कर गया हमारा कोड, 16 टेस्ट को पास कर चुका है, ठीक है? आगे भी कर जाओ भाई, एक्सेप्टेड, यस हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो ये था पूरा प्रोसेस कि हम लोग कोडफोर्स पे कैसे काम करते हैं। मैंने अभी तक 22 मिनट 31 सेकंड ले चुका हूँ, आई होप कि मैं कम टाइम लूँ, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? प्लीज़ नोट्स बनाइए, पढ़िए, मैं आपसे बहुत सारी मुझे बातें करने हैं, आपको बहुत कुछ सिखाना है, स्टे ट्यून्ड विद मी, आप बहुत कुछ लिटरली सीख जाइएगा, बिकॉज मैं वो बंदा हूँ ना जो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पहले भी कहा था, मैं वो इंसान हूँ जो आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और लाइफ में आपको थ्योरी कभी नहीं काम आने वाली, आपको सिर्फ काम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। मैं बेसिकली अब नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, ये सब चीज़ भी बताऊंगा, जो आप सच में आप रियल वन एनालॉजी से वो कंपेयर कीजिएगा ना, देन यू थिंक वाओ मैं कितना कुछ जानता हूँ, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अरे ये सीपी मैं 10-15-20 लेक्चर और बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद तो मैं उसे स्टॉप करूंगा, परमानेंटली नहीं, मतलब कि अब मैं उस पर रेगुलर पोस्ट नहीं करूंगा, फिर क्या होगा, मैं उस पर धीरे धीरे पोस्ट करूंगा, कभी एक कभी दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको बहुत बूस्ट करेगी, सीपी आप करते रहिए। बट आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन द वेब डेवलपमेंट साइड। जो लोग जो पढ़ना चाहते हैं आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ एक इंडिया में मिथ चला हुआ है, ठीक है? मिथ क्या चला हुआ है कि लोगों को लगता है ना कि जो एजुकेशनल चैनल है वो आगे नहीं जा सकता, तो प्लीज़ मेरे डियर सब्सक्राइबर आप इस मिथ को प्लीज़ दूर कीजिए, एजुकेशनल चैनल भी आगे जा सकता है, इसके भी मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच सकते हैं, ठीक है? बस अब आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, सॉरी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आगे से ध्यान रखूँगा, बाय।